मैं यहाँ पे यहाँ पे मैम ओल्ड मंदिरा स्टेडियम मंदिरा स्टेडियम मंदिरा स्टेडियम मंदिरा Hi, very good, thank you. A lot of fun, a lot of excitement, and you can see I'm all ready for it. So yes, we've been really looking forward for V-Ray the wedding, and well, these are all my V-Rays, made by my V-Rays, for my V-Rays. I'm not chick-filling. After real life, I'm not chick-filling. Today I'm looking quite chicky actually anyway, but yeah, real life mein, I think we're all like this, we're all the same. The trailer, the songs, everything is so good, which is exactly the reason why I'm here. Okay, so now Kareena, Shikha, and Kaisara, kiske performance ka which is your favorite? I'm actually looking forward to Swara's performance. I love Kareena. I think Sonam is fantastic as well. And I also like Miss Talsania. She's really good. Women's centric है इट्स नॉट अ चिक फ्लिक बनाने की कोशिश की तो आप रहेगी कितना आप मानते हैं किस तरह की फिल्म हमारी सोसाइटी में आना चाहिए तो वो भी ऊपर है तो देखो अगर एक तरफ प्यार का पंचनामा है तो एक तरफ वीरे दी वेडिंग भी आ सकती है ऑफ कोर्स अगर वो एक्सेप्टेड है तो ये भी एक्सेप्टेड होगी एंड आई थिंक दिस विल डू अमेजिंगली वेल क्योंकि मैं आप जब जितने भी लोगों से मिली हूँ एवरीबडी इज लाइक रियली एक्साइटेड टू सी दिस मूवी बिकॉज देयर द प्रोमोज आर अमेजिंग एंड आई थिंक वी ऑल कैन रिलेट टू इट वेरी वेल या वीरे दी वेडिंग का ट्रेलर या उसके गाने या उसका वीरे दी वेडिंग का ट्रेलर हो जाए या उसका गाना हो जाए या उसके डायलॉग्स हो जाए आई थिंक आई मीन लव विद द डायलॉग्स ऑफ वीरे दी वेडिंग इतने फनी है एंड आई थिंक दी एक्ट्रेस इज कमिंग टुगेदर आई थिंक ये था आपका जो प्यार का पंचनामा का फीमेल वर्जन नहीं है उस तरीके का लग रहा है तो आई थिंक जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओगे तो बहुत सुनने को मिलने वाला है सो आई थिंक इट्स गोना बी फन इट्स गोना बी एन एंटरटेनिंग वीकेंड फॉर एवरीवन हु इज गोना बी वॉचिंग इट यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत मेल बैशिंग होने वाली है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत मज़ा आने वाला है आई एम होपिंग दैट वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ लाफ्स वी आर गोना बी रियली एंजॉयिंग आवर सेल्व्स दैट्स व्हाट मूवीज आर यू गेट एंटरटेन्ड यू एंजॉय यू हैव लॉट ऑफ फन हाँ क्या यार देर इज शिखा तसलानिया आई लव हर शी इज सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस देर इज स्वरा भास्कर स्वरा भास्कर की जितनी परफॉर्मेंसेज आप देखोगे दे ग्रेट यस देर इज करीना करीना इज एन मतलब शी इज करीना एंड देर सोनम सोनम इज फैंटास्टिक आई थिंक ऑल द फोर एक्ट्रेसेज हु हैव बीन ब्रॉट टुगेदर ऑन वीरे दी वेडिंग आर अमेजिंग बिकॉज हर किसी की अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स हैं एंड इट्स सच ग्रेट पर्सनैलिटीज कमिंग टुगेदर आई वॉज सीइंग देयर वन सीन बिटवीन नीना गुप्ता एंड सोनम कपूर सो आई थिंक जो द कास्ट सेट इज सो एक्साइटिंग इट बहुत मजा आता है इट्स वेरी गुड इसके पीछे
आई थिंक इट्स बहुत बहुत सुपर कॉन्सेप्ट है. एंड जैसा कि कुछ सालों पहले किसी ने कहा था कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखो जिंदगी मिल गई. तब चार लड़कों ने कहा था, चार लड़कियों ने उनके गलत साबित कर दिया. एंड यार फिल्म दोस्ती की है. अब दोस्ती लड़के की हो लड़की की हो क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्ती दोस्ती होनी चाहिए. एंड आई एम श्योर जैसा कि हम लोगों को लगता है जब लड़कों की छुट्टी हॉलीडे बेस्ड फिल्म आती है, दोस्तों की फिल्म आती है, तो कई ट्रिप पे चलते हैं. इस फिल्म के बाद सारी लड़कियों को भी ये लगेगा कि हमें कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाना चाहिए. सो नाउ मेरा काम जो है वो आधे से भी कम हो गया, क्योंकि ये बात सेट इन स्टोन हो गई है दैट नाउ इवन आई विल डू माय गर्ल्स ट्रिप. एग्जैक्टली. सो थैंक यू एकता ये आसान बनाने के लिए फॉर मी. सुपर सुपर, बिकॉज आज के दौर में इतना अनयूजुअल ट्रेलर है बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स एंड द कॉन्सेप्ट एंड स्टफ. एंड उसको अगर ऑडियंस इतने प्यार से और इतने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही है, दैट मीन्स दे डन समथिंग राइट. सो आई थिंक यार बहुत हाई टाइम हम ऐसी फिल्में देखे हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम. आई थिंक तिकू जी डॉटर्स कम ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये उनका डेब्यू, इट्स हर डेब्यू आई थिंक राइट. एंड अदरवाइज अदरवाइज इट्स गोना बी ऑसम टू सी स्वरा एंड करीना, बेबो एंड स्वरा, टू डिफरेंट एक्ट्रेसेस और टू डिफरेंट जॉनर्स, एक कमर्शियल एक कम्प्लीटली आर्टी ऑफ सिनेमा, ऑफ बीट सिनेमा. Them coming together, I think it will be a super combination to watch. But you know the trailer and the dialogues are so realistic. हम लोग ऐसे ही बात करते हैं जब हम साथ में होते हैं दोस्तों. तो इतना realistic commercial cinema एक जो combination, I think it's very interesting. और all these actresses are fab. तो मुझे इन चारों को देखने की बहुत excitement है. Chick flick? No, no, no. Ask him actually मैं कितनी chick हूँ कितनी नहीं हूँ. नहीं, इट्स नॉट अ चिक फ्लिक, आई थिंक इट्स अ वेरी बोल्ड फिल्म. एंड हाउ मच ऑफ अ चिक आई एम, हाउ मच ऑफ अ चिक यू आर, ओनली व्हेन यू टू गेट रेडी. या या सीरियसली, बट आई स्टिल गेट रेडी फास्टर देन हिम, सो आई एम लेसर ऑफ अ चिक. सो आई कैन से दैट आई एम नॉट अ चिक फ्लिक. वेलकम. हां बस सब एक बार वो मेहमान आ जाए उसके बाद बहुत कुछ कहेंगे. इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग वी लेकी वेडिंग फॉर अस, सेलिब्रेशन फॉर अस. Well, Karan ko abhi tak yakin nahi ho raha. He thinks I'm faffing ki I'm pregnant. He wants me to be this fat already. So, unse actually intezar nahi ho raha. I keep telling him, 9 mahine lagte hain, to lagte hain. It can't be like fast forward Maggie noodles. But both of us are excited and it's a beautiful, sensitive face. So, now I think we should Veere ki wedding ki bites. Agar aapko Veere milke de, to better nahi hai. Yo! The Veere should do it together. Veers. So, the Veers answer. What about? Veere ki wedding? Bro, go bro. I think बहुत ही मजा आने वाला है. It's go. We're gonna have a blast. Yes. And the Veere ki wedding with the Veers. We're ready to whistle and clap and all that. अब आपको यहाँ पता चला कि असली दोस्ती कहाँ है देखो. मुझे तो लगा coordination और रोहित ने पहले पूरी देखा हमारी. And I'm to going to derive inspiration from Kareena because it's her comeback after delivering. And she is so hot and sexy. तो मैं तो बैठ के सिर्फ उनको ऐसे ही देखने वाली हूँ. I'm sure. अनीता ने सबको लाइफ में बड़ा किया है, इन्होंने एक फिल्म बनाई से नागिन प्रमोट करने के लिए. हाउसवार्मिंग आई थिंक कोई भी पार्टी इज अबाउट द वीरेज फॉर द वीरेज एंड बोथ द पार्टीज हमने बहुत इंजॉय की. वी ब्रॉट द हाउस डाउन लिटरली, इसलिए हमने घर की नहीं टेरिस पे पार्टी रखी थी क्योंकि हमें डर था कि दे लिटरली ब्रिंग द हाउस डाउन. यार हमने अपने सब दोस्तों को बुलाया था एंड लाइक अनीता सेड वी हैड अ ग्रेट टाइम. तो वीरों ने पूरी एकदम वीरगिरी दिखा दी थी उस दिन. गुड टाइम, चीर दिया था वीरों ने. हो गया
आप सब चला रहे हैं। ओके नीलम, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग टुनाइट? कैसा लगा ट्रेलर, उसके बारे में बताइए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म बिकॉज़ in real life actually Ekta is one of my veeres, so I mean whatever I've seen in the trailer and the sense of humor, I relate to it in the sense I have a bunch of friends and we crack these jokes, and yeah, so I'm looking forward to it. I'm excited. Okay, film mein Kareena hai, Sonam hai, Sora hai aur bhi kafi log hain, unke bare mein bataiye kiski performance ke liye aap excited? I'm excited to see all because it's a different role. अलग रोल है सबके लिए. आई थिंक फर्स्ट टाइम दे प्लेइंग अ रोल लाइक दिस, सो आई एम एक्साइटेड टू सी इट. जैसे कि सबने टी-शर्ट पहन लिया, नॉट अ चिक फीलिंग. अगर आपके अगर बात करें तो आप रियल लाइफ में कितने आप चिक फीलिंग हैं या नहीं हैं? आप कितने चिक फीलिंग हैं? हाँ, मैं ज़रूर हूँ, बट नॉट सो मच नाउ. नाउ आई लाइक ड्रामा. आई थिंक आई हैव प्रोग्रेस्ड फ्रॉम चिक फ्लिक्स. थैंक यू, थैंक यू ऑल द बेस्ट. मैं तो अभी आई एम वेरी मच, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए, बिकॉज पहली बार ऐसी कोई लड़कियों के ऊपर फिल्म बनी है. आई मीन लड़कियों को भी होना चाहिए कि आई मीन दे शुड लिव द वे दे वांट टू लिव एंड बी योरसेल्फ. सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ फिल्म एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड प्लस एकता इज़ पार्ट ऑफ इट एंड ऑल दी सुपर एक्टर्स आर पार्ट ऑफ इट, सो आई एम वेटिंग टू वॉच इट. ओके, मुझे करीना कपूर, सोनम कपूर बहुत पसंद है एंड स्वरा भास्कर. मुझे आई थिंक सारे ही एक्टर्स दे आर ब्रिलियंट. आई एम वेटिंग टू सी ऑल देयर परफॉर्मेंसेस. बिल्कुल, आई थिंक आजकल फीमेल इज़ द वन हु इज़ टेकिंग ओवर एंड आई ऐसी फिल्में बिल्कुल बननी चाहिए जो सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड हों. सब लड़कों के ऊपर काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं, अब फीमेल का वक्त आ गया है. इट्स गर्ल पावर टाइम. सो या आई थिंक अभी हमारा एक नया ग्रुप बना है एंड वी हैव एकता कपूर इन इट एंड क्रिस्टल, अनीता, वी आर लाइक बडीज. सो हम लोग काफ़ी पार्टियाँ करते रहते हैं. अभी वही फिलहाल वीरेज वही है मेरी इस इंडस्ट्री में. यस, मैं ये क्योंकि मैं मेरी वीरे ये एकता कपूर है एंड उनकी फिल्म है ये, तो मैं उनको प्रमोट करने के लिए ये टी शर्ट पहन के आई हूँ. आई एम नॉट अ चिक फ्लिक. इट्स नॉट अ चिक फ्लिक. थैंक यू. ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खास करके जो गाने बहुत ही अच्छे हैं. तारीफा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. मतलब एक्सपेक्टेशन कोई लेकर नहीं जाता हूँ मैं फिल्म में. एंटरटेनिंग होनी चाहिए एंड आई एम श्योर इट बी रियली एंटरटेनिंग. अभी देखूंगा, उसके बाद पता चलेगा. ओके, थैंक यू, थैंक यू. अरुण, अरे तेजस, तेजस माइक भी लेकर आया. मेरा वायर पास है.
हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ट्रेलर देखा है? बहुत ही पटाखा ट्रेलर है। इनफैक्ट गाने बड़े अच्छे हैं। इवन द शॉर्ट टाइम दैट यू गेट टू सी द ट्रेलर, बहुत ही एक्साइटिंग लगता है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। कहते हो थोड़ा सक्सेस लगता है कि चिक फ्लिक है, बट इट्स एक्चुअली फ्रॉम व्हाट आई बिलीव, फ्रॉम व्हाट आई हर्ड इन द इंटरव्यूज, चिक फ्लिक नहीं है। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ हॉट ऑल द फोर गर्ल्स आर लुकिंग। मैं अपनी लाइफ का वीरे मेरे डैड को मानता हूँ। देयर इज नोबडी हु इज अ बिगर वीरे देन माय ओन फादर। किसका किरदार आपको सबसे अच्छा लगा? किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? यार ये तो देख के बता सकते हैं। एंड परफॉर्मेंस के बारे में मतलब किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? वेल लाइक आई सेड, यू नो, ये आई वांट टू वॉच द फिल्म, एंड आफ्टर आई वॉच द फिल्म आई गेट टू नो हु रियली कनेक्टेड एंड व्हाट रियली एक्साइटेड यू अबाउट द फिल्म। बट ऑल द फोर गर्ल्स, यू नो, इन द प्रोमोस आर लुकिंग फैंटास्टिक। Kareena Kapoor, hands down. I think she's absolutely stunning. There's nobody who's as beautiful as Kareena Kapoor. There's this sense of glow that she has. And Aina, after having a child and being married, and she's come down looking so slim. And I mean, I don't know if it acha lagta kisi mother ko bolte ki she's looking so sexy, but she is. So definitely Kareena Kapoor, all the way. चोट आई आपके हाथों में? हाँ जी यार, मुझे थोड़ी चोट लग गई है। करेक्ट। कोई खास नहीं यार, I busted my hand open in the gym. तो पूरा फट गया अंदर से, सो आई टू टेप इट। जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कर रहे हैं आप क्या? हाँ जी, इन दिनों आपने मुझे आज देखा, धमाका कम लग रहा है आपको? मतलब आपके प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ डेफिनेटली, व्हेन देयर समथिंग टू टॉक अबाउट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। I'm born in 1990. अरे अमेजिंग ट्रेलर है। आई थिंक द ट्रेलर इज सो इन्वाइटिंग। ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी की तो शादी हो जाके नाचे उस शादी में, तो आई फील लाइक किसी ना किसी को शादी करनी चाहिए ताकि मैं अपने वीरे की वेडिंग में जाके फिर से नाचूँ। मैं अपनी लाइफ की वीरे को एकता को मानती हूँ। आई थिंक शी शुड गेट मैरिड नेक्स्ट। आई गो डांस। हीरो सारे एक्टर हैं इसमें जी, सभी एक्साइटेड हैं। तो किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप सबसे ज़्यादा? किसकी परफॉर्मेंस के लिए? चारों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इवन द बॉयज़ आर सो गुड। बट सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं करीना कपूर की परफॉर्मेंस के लिए। आई थिंक यू नो आई हैव ऑलवेज बीन अ बेबो फैन, तो बेबो ऑल द वे। मैंने कॉमेडी ट्राई करना था, मैंने कॉमेडी ट्राई किया, मज़ा आ रहा है करके। लेट्स सी हाउ फार इट गोज, बट फॉर नाउ आई एम एंजॉयिंग डूइंग कॉमेडी। You tell me. You tell me. Thank you, guys.